नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। आप देख रहे हैं वीके ट्रिक्स। आज हम नोकिया 8032 का FRP अनलॉक करने वाले हैं। अभी मिरेकल बॉक्स क्रैक से बहुत इजी तरीके से, तो चलिए देखते हैं इसका FRP अनलॉक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिरेकल थंडर 2.82 को खोलेंगे। क्रैक वर्जन है ये, हमारा क्रैक वर्जन मिरेकल बॉक्स। और थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं डिवाइस एंड प्रिंटर में, डिवाइस मैनेजर इसको कहते हैं। और यहाँ पे हमको मीडियाटेक सेलेक्ट करके और यहाँ पे फोर्थ बूट पे रहने देना है, और यहाँ पे यूनिवर्सल जो लिखा है नीचे, यहाँ पे इसको जो है डिवाइस अटैच कराना है। नोकिया 3, ये देखिए नोकिया 3 है, कनेक्ट करा दिए। और इसके बाद इसको पहले रीड इनको मारते हैं, स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद केबल को इंसर्ट करते हैं अंदर। ये देखिए, मोबाइल अभी चालू था मेरा, इसको बंद, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे केबल को। ये देखिए स्विच ऑफ होने दीजिए, स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद केबल इंसर्ट करेंगे। ये देखिए नोकिया मीडिया टेक करके पकड़ लिया है। रीड इन्फो जब तक पूरा डन नहीं करेगा तब तक ये FRP को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कराना पड़ेगा नोकिया 3 को, तभी FRP अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए देखते आगे। उसके बाद आपको आना है एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में जाने के बाद FRP रिमूव इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डाटा केबल निकाल के स्टार्ट बटन क्लिक करके फिर से डाटा केबल को मोबाइल में इंसर्ट करना है। ये देखिए हमारा मोबाइल कनेक्ट हो गया है, और ये देखिए जी FRP रिमोट ऑन कर दिया है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अब सेट को चालू करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सेट चालू का सेटिंग कर देते हैं, उसके बाद वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। और एक बात और दोस्तों, जो इसमें वो बताता है डाउनलोड करने के लिए कि इसका सिस्टम फाइल अपडेट मांग रहा है, वो भी सही हो जाता है FRP अनलॉकर क्रैक वर्जन से भी। तो चालू हो रहा है, देखते हैं। ये देखिए पूरा सेट जो है पूरी तरीके से ऑन हो गया है। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी बहुत इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।